एग्जिबिट डी टू है माइलॉर्ड, पेज नंबर 104। हाँ डी टू, डी टू, डी टू में बोल रहा है माइलॉर्ड कि मैं, मेरे को ये लेके चली गई थी 27 नौ को, 27 नौ जी, 27 नौ 2018 को, और माइलॉर्ड ये अपने बयान में पीडब्ल्यू फोर माइलॉर्ड उन्नीस नंबर पे जी, पेज नंबर 19 में माइलॉर्ड ये बोल रहा है कि पेज नंबर पैराग्राफ 9 में माइलॉर्ड कि मैं अभियुक्त उसके साथ मैं नहीं गया था, 27 नौ को अभियुक्ता मेरे साथ मेरे को नहीं लेके गई थी, फिर बाद में आगे बोलता माइलॉर्ड उसको मेरा उसका भाई मेरे को लेके चला गया था पे? जी बता रही, ये पैराग्राफ 6 में है पेज नंबर 18 इसमें माइलॉर्ड कि मैं अभियुक्ता का भाई मेरे को लेके गया था, वो घटना के बाद लेके गया था ने, और पैराग्राफ 9 में है पेज नंबर 19 में कि मैं अभियुक्ता मेरे को लेके नहीं गई थी, और माइलॉर्ड एफआईआर में है कि पीड़ित और अभियुक्ता दोनों साथ में चले गए थे एफआईआर में, 27 नौ को चले गए थे, और एफआईआर कौन से पेज पे है? एफआईआर माइलॉर्ड पीडब्ल्यू फोर है ये 69 पेज नंबर 69, और माइलॉर्ड जो विक्टिम के फादर और मदर का बयान है माइलॉर्ड तो उनमें भी वो कंफ्यूज हैं, कभी बोलते हैं 29-10 कभी बोलते हैं 29-9 माइलॉर्ड, इनकंसिस्टेंसी इन द डेट माइलॉर्ड नंबर टू, नंबर टू पॉइंट बताइए जी। और माइलॉर्ड तो जिस टाइप से इनमें सब चीज में कंफ्यूजन है माइलॉर्ड, तो ये अपने बच्चे के जन्म तिथि के लिए एकदम कॉन्फिडेंस होकर नहीं बोल रहे हैं कि कुछ जन्म प्रमाण पत्र भेज के, बोल रहे हैं 2006 को मेरा दूसरा बेटा हुआ था, 2002 में ये हुआ था, उसे 12 साल बड़ी मेरी बेटी है माइलॉर्ड, ये पीडब्ल्यू फाइव माइलॉर्ड, पीडब्ल्यू फाइव कौन है? उस विक्टिम की माँ है माइलॉर्ड, ये माइलॉर्ड पेज नंबर 24 में है पैराग्राफ 8 में पढ़िए जी, मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, मैं हिंदी पढ़ना नहीं जानती हूँ, मात्र हस्ताक्षर करना जानती हूँ, आज मैं ये नहीं बता सकता कि मेरे विवाह को कितने वर्ष हो चुके हैं, मेरा विवाह किस उम्र में हुआ था, मेरे 4 बच्चे हैं, मैं अपने दोनों बड़े बच्चों की उम्र नहीं बता सकती, परंतु दोनों छोटे बच्चों की उम्र बता सकती हूँ, मेरे लड़के पीड़ित का जन्म 2002 में हुआ था तथा उसके बाद वाले पुत्र का जन्म 2006 में हुआ था, मेरी सबसे बड़ी पुत्री और पीड़ित के बीच में 12 वर्ष का अंतर है, पीड़ित मेरी तीसरी संतान है, यह कहना गलत है कि मेरा पुलिस बयान नहीं हुआ था, यह कहना गलत है कि पुलिस ने मुझसे पूछताछ नहीं किया था, तो माइलॉर्ड ये डेफिनेट अपने शादी का तारीख नहीं बता रही, अपने बच्चों का बस 2 बच्चों का 2000, और माइलॉर्ड जो पीडब्ल्यू 2 माइलॉर्ड अभियुक्त विक्टिम के जो पिताजी हैं पीडब्ल्यू 3 जी, पीडब्ल्यू 3 माइलॉर्ड सॉरी, ये पीडब्ल्यू 3 माइलॉर्ड पेज नंबर 14 माइलॉर्ड 14 में पैराग्राफ 15, जब मैं 21 वर्ष का था तब मेरी शादी हुई थी, मेरे 4 बच्चे हैं, मैं अपने सबसे बड़ी पुत्री की जन्म तिथि नहीं बता सकता, यह कहना गलत है कि मैं अपने किसी बच्चे की जन्म तिथि नहीं बता सकता, साक्षी ने स्पष्ट करते हुए कहा कि अपने पीड़ित और जितेंद्र की जन्म तिथि बता सकता हूँ, मेरा पुत्र जितेंद्र की जन्म तिथि 25 अप्रैल 2006 है, मेरे पुत्र पीड़ित के जन्म तिथि के संबंध में 2006 है, ये पीड़ित के छोटे भाई का माइलॉर्ड जितेंद्र, जितेंद्र नाम है उसका, उसका 2006 बता रहे, और मेरे पुत्र पीड़ित के जन्म तिथि के संबंध में स्कूल का प्रमाण पत्र है, मैंने अपने पुत्र पीड़ित का जन्म प्रमाण पत्र नहीं बनवाया है, बर्थ सर्टिफिकेट इज नॉट नहीं है माइलॉर्ड, और जो पीडब्ल्यू 2002 में बर्थ सर्टिफिकेट हाउ इट इज पॉसिबल, ही सेज दैट बनवाया नहीं है, मतलब ऑटोमेटिक बनता है,
ऑटोमेटिक। तो व्हाई दी प्रोसिक्यूशन, इसके इनका थोड़ी है विक्टिम प्रोसिक्यूशन, कोई कोशिश किया क्या लेने का, पता किया? मैंने आईओ के स्टेटमेंट में नहीं आया ये बात की मैंने एक भी अटेम्प्ट किया था टू रिकवर दी बर्थ सर्टिफिकेट। पीडब्ल्यू फोर विक्टिम के बयान में खुद है कि वो अपने मौसा के घर में काम कर रहा था। घटना के समय यू मीन टू से नाइदर 363 नॉर द एज माइलॉर्ड दिस इज योर केस। यस माइलॉर्ड 363 भी नहीं लगेगा माइलॉर्ड, क्योंकि वो तो लेके नहीं गई है, तो खुद गया है बाद में और वो अपने मौसा जी के घर में स्टेट का काम कर रहा था। The conviction of the present appellant stands on the statement of PW3 father, PW4 victim and PW5 minor, where they have categorically deposed a fact that the conviction of the appellant stands on the PW3 father. Father. And? PW4 victim and PW5 mother. Manor, in the statement of PW3 minor, that is father minor, in para 2, he has categorically stated the date of birth to be 19-5-2002. And in the cross, that statement was unrebutted, Manoj, with regard to the date of birth. Only the fact that no date birth certificate was there, but he has his version with regard to the date of his birth. His father says the date of birth is 31st September. Manoj. That can be proved. If unripped. The father says, my child was born on 31st September. How the oral statement can be? Or 30th February. 30th February. Manoj, but that has been proved by the documentary evidence, that is Dakhil Kharij. Yes, it is required. No? Dakhil Kharij has been proved, Manoj. And mother, in her 161 statement, says that she went to the school for the admission purpose. Although in the court statement that part is missing, my lord. She went to the school. No document you have produced in light of section 94 of the JJ Act. My lord. No? JJ Act's mandate that birth certificate from the school. Birth certificate from the school. Not the school leaving certificate. My lord. In absence, birth certificate from the municipal corporation. In both the absence, there must be ossification test. दो हजार दो में बिना बर्थ सर्टिफिकेट के एडमिशन होता था क्या? नहीं, सरस्वती शिशु मंदिर था तो ले लिए होंगे ऐसे। आप क्या आप अचूक रही है? मतलब देन इन स्टेटमेंट ऑफ PW4 मालोन, he has stated that continuous harassment was done by the appellant, my lord, for forcing him for the sexual intercourse, my lord. In para 6, my lord, there were forcibly sexual intercourse done by the appellant on the victim, my lord. How the POXO section 3 will be attracted? Section 3. He says, my lord, he manipulates any part of the body of the child so as to cause penetration into the vagina, urethra, anus or any part of the body of the child, makes the child so with him or any person. It is not the case that the victim is a girl. My lord. How that will be applicable? ये बताएं हमको। मतलब here it is written child, my lord. And section 3C, child. And definition says child any person below the age of 18 years. He manipulates any part of body of the child, thus to cause penetration into vagina. And body of the child है। Yeah. बॉडी ऑफ द चाइल्ड, पेनिट्रेशन इज टू द बॉडी ऑफ द चाइल्ड। मालूम ये
पैरा सिक्स और पैरा टू में कहता है जबरदस्ती मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं। नहीं सीधा आप कानून व्हाट बॉडी ऑफ पार्ट ऑफ द पेनिट्रेट्स पेनिट्रेट्स ऑफ चाइल्ड पेनिस हिज पेनिस माय लॉर्ड विद द गर्ल्स हैज पेनिस और नॉट नो माय लॉर्ड देन हाउ इट इज एप्लीकेबल सेक्शन 3 8 goes. जाने वो सी में जा रहे हैं 3C से होगा टू दी बॉडी और एनी पार्ट ऑफ दी बॉडी ऑफ दी चाइल्ड सो एज टू कॉज पेनिट्रेशन इन टू दी सो एंड सो पार्ट ऑफ दी बॉडी ऑफ चाइल्ड दैट सेज मेक्स द चाइल्ड टू डू सो विथ हिम मेक द चाइल्ड टू डू सो हिम कैसे आएगा वो अरे नहीं 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 आएगा चाइल्ड कौन मेक द And then the section which has been entered into this instant case manner, it is 5L, which says that whoever commits penetrative sexual assault on the child more than once or repeatedly, manor. So child mein assault kahan hua? Manor, it is forcibly sexual intercourse, manor. On the child hai. Manor. Why the child nahi hai? Yahan pe appellant lady hai, manor. तो इसीलिए शी इज द मेजर तो उसपे तो नहीं हुआ असॉल्ट सेक्सुअल असॉल्ट विक्टिम इज चाइल्ड माय लॉर्ड ही हैज कंप्लेंट ऑफ द सेक्सुअल इंटरकोर्स डन बाय द यू आर ट्राइंग टू ऑन द चाइल्ड ये चाइल्ड तो नहीं द द सेक्सुअल इज बाय द चाइल्ड टू द गर्ल ये है गर्ल इज मेजर देन Then if my lords are of view, then POXO will not be applied. No, my lords nahin. We want to hear you. My lord, because in the instant case, my lord, victim has reported the case against the appellant who is a woman. Woman, major. Woman. My lord, the offense is committed by He woman. Was made to forcibly sexual intercourse. So how the POXO will apply? Yeh pooch raha hai. Section 3 kaise lagega? Only. Kyunki section 5M defines the L5L defines the child. The penetrative which is defined in section 3. Manu. That extent, Manu, that section 3C, Manu. Manipulation of the body of the child, Manu. Manipulation on the body of the child, Manu. What is section 3? Manu. See? Whoever commits penetrative sexual assault on the child, on a child. Manu. Not by the child. Man. And who has been previously convicted having committed so and so or any so and so so and so. Time being. Sorry. Man, 3C. See, manipulates any body of the child so as to cause penetration into. So and so or any part of the body. How the male will cause this. And body of the child. That or make the child to do so with him. With him or any other person. One of the section 3 will not be coming into picture because of these. Only that manipulation would be there, my lord, on the part of the body of child. The second part says, or any part of the body of the child. Or make the child to do so with him. Him. Isme kaise aayega? The child has deposed the statement that she was forcibly trying to. So the him hai na word. My lord, him would be implicated as both the gender would Why? Be. Why? Why? My lord, IPC section 8, my lord. That says that gender would be neutral, man. Men or women. Him would be treated as her only. Take.
चलिए आगे मतलब देन विक्टिम इन PW4 इन पैरा 2 and 6 माय लॉर्ड हैड कैटेगोरिकली स्टेटेड दैट ही वाज ट्राइंग टू कंटिन्यूअसली सेक्सुअली हरास हिम एंड ट्राइंग टू फोर्सेबली मेक हिम टू बी सेक्सुअली अप्लाई टू हिम सेक्सुअली इंटरकोर्स माय लॉर्ड देन माय लॉर्ड विथ रिगार्ड टू द डेट्स माय लॉर्ड देर आर डेट्स सर्टेनली देर आर इन रेलिवेंसी इन द डेट्स माय लॉर्ड बट दैट हैज नॉट केम इन टू द फेटल केस ऑफ द प्रोसिक्यूशन माय लॉर्ड 27 and 31 10 इट वुड बी 31 9 माय लॉर्ड 31 वेर इज द 31 September 31 इज नॉट देयर माय लॉर्ड इट वुड बी 39 इट वुड बी 39 सबको प्रिजम्पशन नो माय लॉर्ड प्रिजम्पशन वुड नॉट बी ड्रॉन माय लॉर्ड इन दैट केस माय लॉर्ड बिकॉज एज पर द रिकॉर्ड्स माय लॉर्ड रिकॉर्ड्स वुड शो दैट की 8 तारीख को वो बरामद हुआ तो 31 10 वुड नेवर कम इनटू पिक्चर 8 तारीख को बरामद हुआ यदि वो स्टेटमेंट को एक्सेप्ट करते तो 8 तारीख का बरामद हुआ फॉल्स डॉक्यूमेंट है ना वो वी हैव टू बिलीव द ओरल स्टेटमेंट गिवन बिफोर द कोर्ट दैट्स अ गॉट अप दैट्स अ प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट द फादर एंड मदर स्टेट दैट द गर्ल वाज टेकन द चाइल्ड ऑन 31st अक्टूबर दैट इज नॉट द प्रोसिक्यूशन केस एंड But prosecution has not corrected his version. That date. By declaring them hostile. By right or wrong, their version is on the record. Or if you see the statement of DW1, she says ki he was forcing. He tried to avoid. Kya matlab ek to report kar diye. Pehle. Then all the documents were got up. It's not so easy sending someone for the life casually. No, वो गलत होगा presumption. Can we draw that? Man, to that extent, prosecution stands very. Low. We'll take that statement is correct. Man, जब incident के पहले ही एक FIR हो गया और बरामदगी सब दिखा दिए. Then after incident that, उसके बाद फिर statement में court के statement में आ रहा है वो तो हुआ ही नहीं था. Man, she went separate. He went separate. Man. Why should we disbelieve that statement given in the court? And that was never rebutted, Manu. To that part. Manu, one more thing, Manu, the medical evidence against the appellant, Manu. The slides were sent for the FSL, Manu, and human sperm was found in both the slides of the victim and appellant, Manu. Why the FSL report? That was after the 8-10. Recovery. After 8-10 recovery. If he had gone earlier, then how that document will be relevant? That means you manipulated the date, the prosecution. The benefit should go to whom? Then? Benefit would be going to the accused. Then, yes. Everything is accepted. Why should we forget, just sideline the statement? If there might be a single instance, Manu, there would be an... The father maintained 27-10. Mother is PW5. Mother also maintained the same date. It is not para that three. They are different. In para 3. So, sabhi log jhoot bol rahe. Matlab, dusra presumption hai, galat type ho gaya hoga. How can it possible? Man. Two statements are there. Of father and mother. Both. 3 and 5. तीनों ने 31-10 को चकरभाटा जा रहा हूं कर घर से निकला था और उसके पहले ही रिपोर्ट हो गई 7-10 को Just anything more? Please.